एक एक सीन है जिसमें मैं मार रही हूँ उनको और उसके अंदर मैंने बहुत से लोगों को तालियां और सीटियाँ बजाते हुए सुना मैं तो बहुत खुश हूँ मैं तो कह रही हूँ ये बढ़ता रहे बढ़ता रहे अभी आपने दस दिन बोला मैं कह रही हूँ पाँच में ही हो जाएगा मेरे को लग रहा है <laughs> मैं दिल से चाहूँगी दस चला जाए <laughs> कुछ सीधा हैप्पीनेस मम्मा की आंखों में और वो इतना खुश थी ना उस दिन जब हम घर भी आए थे और वो सारी बातें इतनी जल्दी जल्दी करी थी कि ये किया हम सर से मिले हमने ये किया ये किया ये किया तो वो मैं उनकी आंखों में देख पा रही थी उनसे मिलवा पाना मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है हाय, मेरा नाम है लहर खान और आप मुझे देख रहे हैं मूवी टॉकीस पे। मैंने जब जवान के लिए ऑडिशन दिया था तो उसमें मुझे कलकी का बैक स्टोरी का आइडिया था पर इतना लाइक शील गेट कि वो इतना ऐसे एक्शन कर रही होगी या ये सब कर रही होगी वो ऑन सेट जब हम लोग को स्क्रिप्ट मिली तभी पता चला तो आम, रिएक्शन uh, जो था लोगों का आई थिंक उससे मुझे ज़्यादा पता चला कि इतने अच्छे तरीके से उसको लिया जा रहा है क्योंकि करते वक्त हम एज एक्टर्स uh, उस जोन में होते हैं कि हम कर रहे होते हैं बट जब तक ऑडियंस उस चीज़ पे रिएक्ट ना करे तब तक पता नहीं चलता कि कैसे किया है तो uh, जैसी मूवी रिलीज हुई और उसके बाद लोगों के रिस्पॉन्स आने शुरू हुए तो मेरे लिए एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट uh, रिस्पॉन्स ये था कि बहुत से लोगों ने मुझे एक ही मैसेज किया है कि वो बहुत रोए हैं तो मैंने कहा एज एन एक्टर मुझे इससे ज़्यादा बड़ा कॉम्प्लीमेंट मिल नहीं सकता अगर मेरे साथ लोग रो रहे हैं और दूसरा एक था कि आ, दूसरा ये था कि एक एक सीन है जिसमें मैं मार रही हूँ उनको और उसके अंदर मैंने बहुत से लोगों को तालियाँ और सीटियाँ बजाते हुए सुना वो सुन के मैंने लिटरली एक और बार फिल्म फिर मूवी देखने गई थी मैं और मैं तब गेटी में गई थी एंड मैंने अपने ना ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर रखा था और वो मैंने पूरा रिस्पांस लिया है और अब पता कैसे होता है ना कि किसी भी दिन मेरे को ऐसा लो लग रहा होता है ना कि मेरे को आज अच्छा नहीं लग रहा तो मैं उसको बस कान में लगा के सुन लेती हूँ एक बार एकदम से एनर्जी आ जाती है कि ठीक है ओके लेट्स गो तो रिस्पॉन्स ऐसा रहा है लोगों का और आई uh, थिंक इससे आप समझ गए होगे मैं उससे और क्या ही बताऊँ आपको बट हाँ बिल्कुल मेरे को लगता है ये फिल्म एक्चुअली हर एक इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और uh, खाली uh, मतलब हमारी जो पूरी फिल्म का uh, कहीं ना कहीं एक मैसेज था वो ये था कि हम ना वक्त के साथ चीज़ें भूल जाते हैं जैसे uh, एक कोई चीज़ इंसिडेंट हुआ एक दो महीने निकल गए कुछ नया इंसिडेंट हो गया लोग भूल गए क्या हुआ था तो कहीं ना कहीं ये वो एक वेकप कॉल था सबके लिए कि ये सब हुआ है तो जागो और देखो कि क्या हो रहा है आपकी कंट्री में और आई थिंक एज अ इंडियन सिटीज़न बहुत ज़रूरी है हर एक इंसान के लिए चाहे वो रूरल से हो या फिर वो अर्बन से हो मुझे लगता है इसमें वो डिफरेंस ही नहीं है कि इधर ज़्यादा पता है या उधर कम पता है मुझे कहीं ना कहीं लगता है सबको कम पता है और इस फिल्म के थ्रू हम सबको बताना चाहते हैं कि जस्ट वेकअप वो मेरा पहला शॉट था शाहरुख सर के साथ और नर्वस थी मैं क्योंकि एक तो इमोशनल सीन था तो कहीं ना कहीं एज एन एक्टर आपके ऊपर प्रेशर रहता है कि वो इमोशनल इमोशंस जो हैं वो अच्छे से डिलीवर हों और दूसरा ये था कि शाहरुख सर के साथ डायरेक्टली बात हो रही थी मतलब सर साथ में थे और आई थिंक उस मोमेंट में ये होना कि वो साथ में है और वो मेरा शॉट है मतलब वो कल की के लिए एक रिवीलिंग शॉट है uh, मैं अंडर बहुत प्रेशर थी तो आई थिंक उन्होंने भाप लिया था कि ये थोड़ा प्रेशर में है और इसको थोड़ा डर लग रहा है तो uh, मेरा ना कॉलर अनइवन था मेरे हाथ में बहुत प्रॉप्स थे और मेरा लाइक रोने का सीन था तो उसमें आई थिंक एक पॉइंट पे बाहर से ऐसा कुछ तो वो सेट पे बाहर से देवर लाइक थोड़ा ऐसा कुछ तो क्योस चल रहा था और उसमें उन्होंने वही बोला कि कॉलर कॉलर का इशू आ रहा है सम हाउ आउट ऑफ नोवेयर मैं अपने उसमें थी मैंने सामान पकड़ रखा है मैं थोड़ा सा नर्वस फील कर रही हूँ एंड आउट ऑफ नोवेयर सर आते हैं सर ने मेरा सामान उठाया मेरा कॉलर सही किया इनफैक्ट जो आंसू आ रहे थे उन्होंने वो भी ऐसे यू नो मतलब पकड़ के ऐसे पोच दिए और उन्होंने बोला ब्रीद इट्स ओके इट्स ऑल ओके एंड मैं एकदम से ऐसे गई मैंने कहा थैंक यू सर एंड ही जस्ट फोकस ऑन योर शॉर्ट एंड कोई स्ट्रेस की बात नहीं है तो वो मेरा उनसे पहला इंटरेक्शन था कहीं ना कहीं तो उन्होंने पूरी मूवी के लिए आई थिंक मुझे रेडी कर दिया कि मैं इतना कंफर्टेबल हो गई थी उसके बाद उनके साथ कि बस मेरे को और कुछ चाहिए नहीं था मतलब इट वॉज इट वॉज डिफ़िकल्ट कलकी मेरे लिए और मेरे दिल के लिए मतलब मेरे दिल से हमेशा बहुत करीब रहेगी एज अ कैरेक्टर उसके मतलब कलकी के और मेरे बीच एक चीज़ कॉमन है और वो है फादर एंड शी लूज़ हर फादर इन दो फिल्म सो कहीं ना कहीं वो इमोशन समझ पाना या वो फीलिंग फील feel कर पाना एक अंदर बहुत एक अंदर से आया था uh, पर पूरा जो लाइक कल्की की ज़िंदगी इतनी अलग है लहर की ज़िंदगी से तो वो समझ पाने में थोड़ा टाइम लगा मुझे बट आई थिंक वो मैं उसका पूरा का पूरा श्रेय आई थिंक एटलीस्ट को दूंगी कि उन्होंने मेरे को एक तो पूरे जर्नी के थ्रू जिस जर्नी के थ्रू वो लेकर गए मुझे कल्की को समझाया कल्की का बैक स्टोरी कल की कल की मतलब वो कहाँ से आ रही है और वो कहाँ जा रही है दोनों तो वो उन्होंने जितने अच्छे से मेरे को उस जर्नी के थ्रू लेकर गए आई थिंक वो मेरे इमोशंस में दिखा एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि उन्होंने इतने अच्छे से यू नो कल्की का पार्ट डायरेक्ट किया या जो भी इमोशंस उनको चाहिए थे वो आ पाए आई थिंक इम्पोर्टेंस है ऐसा नहीं है हम अपने पुराने बहुत सारी फिल्म हैं जो बनी है मैं मैं अगर यहाँ पर मैंशन करूँ तो मंडी फिल्म चाँदनी बार ऐसी बहुत सारी फ़ीमेल प्रोटैगनिस्ट वाली फिल्म्स बनी है इंडिया में और ऐसा नहीं कि नहीं बनती है आई थिंक एक फेज़ आता है जहाँ पे कहीं पे आपकी ऑडियंस क्या एक्सेप्ट कर रही है इन द मोमेंट आप फिर वो बनाने लगते हो तो बीच में ऐसा शायद वक्त आया था जहाँ पे हम बीच में एक वक्त था जहाँ पे क्वीन जैसी मूवी भी आ रही थी जहाँ पे वी हैड फीमेल लीड्स एंड बहुत ही अच्छी तो मुझे लगता है कि वो वक्त आना वापस बहुत ज़रूरी है एंड आई थिंक विद जवान आई थिंक हम लोग लेकर आ रहे हैं मास हीरो है हाँ हाँ मास हीरो है आई अग्री बट मुझे लगता है कि जैसे अब इन अ वे आई थिंक कंटेंट बेस्ड हाँ डेफिनेटली मास uh, के अंदर आई वुड से कि अभी अगर कम है तो होना चाहिए ज़्यादा क्योंकि जिस तरीके से जवान को रिस्पांस मिला है वैसे ही फिर उन मूवीज़ को भी रिस्पांस मिलेगा तो आई नॉट कल की कल की कल की हमेशा आज़ाद शी इज़ द गर्ल वो तो चीफ़ हैं चीफ के चीफ के आगे तो कोई भी नहीं आई <laughs> थिंक वो तो आप अगर उनसे पूछेंगे तो वो बहुत अच्छे से बता सकती है पर मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी क्योंकि मेरी मॉम उनकी बहुत बहुत बड़ी फ़ैन रही है मतलब बचपन से मतलब मेरे को लगता है कि मैं उनके पेट में थी मैं तब से उनकी फ़ैन हूँ क्योंकि मेरी मम्मा इतनी बड़ी फ़ैन थी तो आप जब नया नया करियर शुरू कर रहे होते हो और एक्टर बन रहे होते हो तो आपको लगता है कि हाँ चलो ये एक चीज़ है कभी लाइफ में बड़ी एक्टर बनूंगी ना तो मम्मी को मिलवाऊँगी तो वो जब मैंने फोटो देखी ना और वो मोमेंट हो गया उनके साथ मेरे को बाद में एकदम से फोटो देख के लगा कि यार ये तो मूवी से भी ज़्यादा बड़ा एकदम से मेरे लाइक वो वाली फीलिंग ना मुझे मूवी करते वक्त भी नहीं आई थी जो फोटो देख के आई क्योंकि आई कुड सी दैट हैप्पीनेस मम्मा की आंखों में और वो इतना खुश थी ना उस दिन जब हम घर भी आए थे और वो सारी बातें इतनी जल्दी जल्दी करी थी कि ये किया हम सर से मिले हमने ये किया ये किया ये किया तो वो मैं उनकी आंखों में देख पा रही थी और कहीं ना कहीं वो प्राइड और वो सबसे बड़ा वैलिडेशन होता है थे ये एक्टर के लिए जहाँ पे आपके पेरेंट्स खुश हैं तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी जब उनकी और मेरी फ़ोटो थी तो मैंने डाला भी वही था कि उनसे मिलवा पाना मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है तो हाँ मैं नहीं बता पाती हूँ मैं बता ही नहीं पाती हूँ वो ना जब सामने आते हैं तो मैं जुप करके बैठ जाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है पता है नहीं कितने लोगों ने उनको बताया होगा कि सर हम तो आपके बहुत बड़े फैन हैं तो मुझे लगता है कि स्टैंड आउट करने के लिए मैं चुप हो जाती हूँ तो ज़्यादा अच्छा है बट uh, मैंने उनको ये ज़रूर बताया था कि मेरी मम आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है तो जब हम पिक्चर भी खिंचवा रहे थे तो वो उनके शक्ल पर दिख रहे हो इतना अच्छे से स्माइल कर रहे थे उनको पता था आई थिंक एज एन एक्टर हमारे लिए हिस्टोरिक हो जाता है वो चीज़ कि हम इतनी बड़ी फिल्म के पार्ट हैं जिसके नंबर्स भी उतनी ही ऊपर जा रहे हैं जितनी मूवी जा रही है और कहीं ना कहीं वो नंबर इसलिए भी मैटर करते हैं कि उतने लोग देख रहे हैं और हमें भी देख रहे हैं खाली सर को नहीं देख रहे हैं। तो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है और मैं तो बहुत खुश हूं मैं तो कह रही हूं ये बढ़ता रहे बढ़ता रहे अभी आपने दस दिन बोला मैं कह रही हूँ पांच में ही हो जाएगा मेरे को लग रहा है ऐसे मैं लाइन नहीं सेट करना चाहती हूँ मेरे को क्योंकि मेरे को लग रहा है अगर लाइन मैंने कम सेट कर दी और ज्यादा चला गया ना तो फिर नहीं तो फिर इसलिए जाता रहे बस टू टू चला जाए क्यों नहीं जाए मैं दिल से चाहूंगी दस चला जाए टू के साथ बनती है तो आई थिंक uh, चीफ चीफ की लड़कियां तो हमेशा रहेंगी <laughs> तो अगर एटलीस्ट सर वो डिसीजन लेते हैं तो आई थिंक जवान से भी फिर वो एक कदम और आगे सोच कर ही बनाएंगे पार्ट टू भी तो वो रहता है तो आई एम एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉवर्ड टू इट और अगर नहीं रहता है तो वो दूसरी और कोई भी मूवी बनाएंगे एटलीस्ट सर वो भी बहुत ही अच्छी होगी आई एम प्रीड्यूश्योर तो हाँ मेरा फ्यूचर प्लान काम किन के साथ करना है वो तो मेरे पास मैं आपको बुक भेजती हूँ आप पढ़ना आराम से अब <laughs> बहुत हाँ आप एक एक इंटरव्यू उस पर डाल सकते हो इतने लोग हैं बट uh, uh, मैं दिल से एक्चुअली मनोज बाजपाई सर के साथ काम करना चाहती हूँ बहुत बहुत टाइम से और uh, कमल हसन सर के साथ uh, धनुष के साथ तेरह लॉर्ड ऑफ साउथ एक्टर्स ऑल्सो जिनके साथ मैं लिटरली लाइक like, काम करना चाहती हूँ एंड तो आई होप कि यहाँ पे बोल रही हूँ तो ये पूरा हो जाए फैंस <laughs> के लिए पहले तो थैंक यू सो 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 मच हमें इतना इतना प्यार देने के लिए हमारी खाली मूवी को नहीं हमें भी इतना प्यार देने के लिए और मैं कहूँगी कि आप लोग जितना एक्सेप्टिंग होंगे फ़ीमेल्स uh, के लिए स्पेशली अगर एक्शन में आपको फीमेल्स mm. दिख रही हैं और आपको पसंद आ रहा है तो आपको जितना पसंद आएगा उतना ही और मूवीज़ बनेंगी तो थैंक यू वो चीज़ के लिए और uh, बस बहुत बहुत सारा थैंक यू एंड आई होप कि मैं अपने हर एक प्रोजेक्ट के थ्रू आप लोगों को और प्राउड फील कराऊं और खुश फील कराऊं और आप लोग देख के मुझसे कनेक्टेड फील करें जैसे इसके अंदर हुलाया है हो सकता है मैं किसी में आपको हंसाऊं भी <laughs> और हाँ थैंक यू थैंक यू सो मच